25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा भी है। प्राचीन काल में गुरुकुल था जिसमें आचार्य लोग पढ़ाया करते थे और बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। आचार्य जी ने सबको समझाया कि भाई 25 साल तक आप लोगों को ब्रह्मचारी का जीवन जीना चाहिए। इसके समय में किसी भी स्त्री कन्या के विषय में बात नहीं करनी चाहिए, ना सोचना चाहिए। उसके उपरांत जब आपका समय आएगा तो गृहस्थ जीवन में उतरना चाहिए। ये बात सबके मन में बैठ गई, घर कर गई। बच्चे पहले अपने गुरुजनों की बात बहुत माना करते थे। एक बार उन्हीं शिष्यों में से दो शिष्य किसी कार्य से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक नदी आती थी, नदी को तैरकर क्रॉस करना था। एक सुंदर सुशील कन्या इस किनारे पर खड़ी हुई थी, हाथ में कुछ सामान भी था, उसको तैरना नहीं आता था। कन्या ने ब्रह्मचारियों से कहा कि यदि आप मुझे उस पार तक ले चलें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक ब्रह्मचारी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको उस पार उतार दूंगा। दूसरे ब्रह्मचारी को इस बात पर बहुत रोष हुआ, लेकिन उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा। ब्रह्मचारी ने कन्या को उस पार उतार दिया और वो अपने कार्य से निकल गए। कार्य से वापस भी आ गए। 3 दिन भी गुजर गए। जिसने अपने कंधे पर कन्या को बिठाया और दूसरे पार उतार दिया वो अपने कार्यों में मस्त था, लेकिन 3 दिन तक दूसरा साथी जो था वो घूमता रहा। आचार्य जी ने एक दिन उसको बुलाया। उन्होंने पूछा कि बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, आप हमेशा घूमते रहते हो, ध्यान आपका पढ़ाई में नहीं है। उसने कहा, आचार्य जी देखिए, हमको आपने मना किया था कि कभी भी किसी भी स्त्री के विषय में नहीं सोचना चाहिए, उसे संपर्क में नहीं आना है, लेकिन जब आपने हमको पिछले दिनों दूसरे गांव भेजा था तो हमारे साथी ने एक कन्या को अपने कंधे पर बिठाकर परले पार उतार दिया, तो इससे तो उसका संपर्क हुआ, उससे तो उसको स्पर्श हुआ, तो इस प्रकार से तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित माना जाना चाहिए। लेकिन ना उसको कोई फ़र्क है और ना ही हमारे यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क है। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वो कन्या उसके कंधे से तो किनारा आते ही उतर गई थी, लेकिन 3 दिन हो गए, वो कन्या अभी तक तेरे कंधे पर चढ़ी हुई है। सुनकर शिष्य बड़ा लज्जित हुआ। आचार्य जी ने कहा कि यदि हम किसी भी कार्य के संस्कार संतान उत्पन्न करते रहते हैं, संस्कार संतान का अर्थ ये होता है कि यदि हमने किसी को कुछ कह दिया, यदि हमने भूलवश कोई भी कार्य कर दिया और उसका बार बार हम चिंतन करते रहते हैं, वो कार्य हमने करके छोड़ दिया और अब हम भविष्य में आ चुके हैं, दूसरे कार्य करने का समय था, दिनों दिन बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी कार्य को हम अपनी चिंता का विषय बना रहे हैं, वो हमारे संस्कार से उसी चिंता की संतान पैदा होती रहती है, वो जो हमारे दिलों और दिमाग को बिजी रखती है, हमारा टाइम वेस्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वैसे हमारे संस्कार नहीं पड़ने चाहिए। उन्हीं संस्कारों से हटने के लिए आचार्य जी ने अपने शिष्य को कहा था। शिष्य को बड़ी लज्जा महसूस हुई और वो बात को समझ गया। हम लोग भी अक्सर ऐसा ही करते हैं।